गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब कैसे हो? आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे, और मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। मेरा घर का पूजा भी हो गया है। अब आज है थर्सडे, तो थर्सडे का पूजा मेरा डन है। ब्रेकफास्ट वगैरह हम लोगों का सब कुछ हो गया है। अभी टाइम हो रहा है 10:15 बज रहा है, और अभी हम लोग जा रहे हैं मूवी देखने के लिए। 10:45 का शो है, तो 10:30 बजे तक निकलेंगे। तो बगल में ही सिटी सेंटर 2 है, तो वहीं पे जाएंगे। मैं और सुखेंदु, नहीं सिर्फ मैं और सुखेंदु नहीं, ऊपर में जो मेरी जिठानी रहती है भाभी, वो भी जा रही है हम लोगों के साथ। तो हम लोग 3 जन मिलके आज मूवी देखने जा रहे हैं। एकदम से अचानक प्लान हुआ, कोई भी प्लानिंग नहीं था पहले से, तो सडन एकदम प्लान हुआ कि मूवी देखने जाना है, तो हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं। तुम ऐसे क्यों खड़े हो? जाओ, रेडी हो? तो सुखेंदु भी बस नहा धो के रेडी है। चलिए तो फटाफट, मैं तो रेडी हो गई हूँ। सिर्फ मैं सोच रही हूँ बाल को ऐसे करके जाऊँ कि खोल के जाऊँ। खोल के तो बिल्कुल नहीं जाऊँगी, क्योंकि बाल का अवस्था बहुत ख़राब है। खोल के जाने लायक तो मेरा बाल अभी रहा नहीं है। जब स्ट्रेटनिंग करवाऊँगी ना, तब मैं खोल के रखूँगी, और मैं बहुत जल्दी स्ट्रेटनिंग करवाने वाली हूँ। तो आप लोग को तो पता चल ही जाएगा जब मैं करवाऊँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर से दबा के रखिएगा, कि जब मैं स्ट्रेटनिंग करवाने के बाद जब वीडियो तो डालूंगी, तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और आप मेरा वीडियो को मिस नहीं करेंगे। तो चलिए, ज़्यादा नहीं बकती हूँ। मैं देखती हूँ कि अपने हेयर को क्या करूँगा। ऑलरेडी कपड़े तो मैंने पहन लिया है, जीन्स और टी शर्ट पहना है, और सिर्फ मुझे बाल बनाना है। तो देखूंगी क्या करूँगी, तो जब निकलूंगी तब मैं आप लोगों से मिलती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखे पहुँच गए हैं सिटी सेंटर 2, और बस वेट कर रहे हैं सुकेंदु का आने का, क्योंकि हम लोग रिक्शा में आ गए थे। मैं और भाभी रिक्शा में आए हैं, और सुकेंदु पैदल पैदल आ रहे थे। वो बोले कि नहीं, वो पैदल आएंगे, तो इसीलिए हम लोग बोले ठीक है, हम लोग रिक्शा में चल जाते हैं, तुम पैदल आओ। टिकट वगैरह हम लोग ले लिया है, और बस वेट कर रहे हैं कि वो आएगा तो हम लोग अंदर जाएंगे। और देखिए आ गया है मेरा पतिदेव। और यहाँ हम लोग हंस रहे थे, क्योंकि भाभी और भैया बात कर रहे थे वीडियो कॉल पर, तो भैया कुछ ऐसा बोले तो हम लोगों को हंसी आ गया। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं, और बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि बहुत दिन बाद जा रही हूँ मैं मूवी देखने के लिए। वैसे ये मूवी हम लोगों का दिवाली के दिन ही देखने का प्रोग्राम था, क्योंकि दिवाली के दिन ही मूवी रिलीज़ हुआ था। तो सोचा था कि सुबह सुबह जाके देख आएंगे, पर उस दिन टाइम ही नहीं हुआ जाने का। तो आज अच्छा ही हुआ नहीं गए, तो हम लोगों के साथ भाभी भी जा पाई, और मूवी मूवी हॉल के अंदर एंटर कर दिए हैं। टाइटल आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई, और थोड़ा सा क्लिप आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बड़ा ज़्यादा शेयर करने से कॉपीराइट आ जाएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, इंटरवल हो गया है, बस पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न ऑर्डर दे दिया है, और वेट कर रहे हैं आने का और मूवी का इंटरवल ख़त्म होने का। यहाँ पर सब बैठ के फ़ोटोशूट वगैरह भी थोड़ा सा कर रहे थे, और यहाँ पर सुकेंदु शायद कुछ स्क्रीन में ठीक ठाक कर रहा था, क्योंकि पूरा अंधेरा था, कुछ दिख ही नहीं रहा था, तो इसीलिए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का आ गया है पॉपकॉर्न, बस पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न खाएंगे और मूवी इन्जॉय करेंगे, अभी जो आधा बाकी है। तो चलिए, एकदम मूवी ख़त्म होने के बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो यहाँ पे मूवी ख़त्म हो गया है, बस अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, और मूवी तो बहुत ही अच्छा हुआ था। तो चलिए घर जाके आप लोगों को बताती हूँ कि मूवी कैसा हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, तो मूवी वूवी देख के आई। मूवी तो बहुत अच्छा था। आप लोग जो लोग अभी तक मूवी नहीं देखे, जाके देख लीजिए, मूवी ऑसम मूवी हुआ है। हाँ, वन टाइम वॉच है, बट ऑसम था, मुझे बहुत अच्छा लगा मूवी। और अभी बज रहा है 3:30 बज रहा है, आई खाना वाना बनाई, सुकेंदु खाना वाना खा के ऑफिस के लिए निकल गए हैं, और मेरा भी खाना वाना हो गया है। अभी बैठ के मैं वेट कर रही हूँ, क्योंकि अभी आएंगे फिजियोथेरेपी वाले तो भैया। सुबह तो हम लोग मूवी देखने चले गए थे, इसलिए सुबह आज मेरा फिजियोथेरेपी नहीं हुआ, तो वो अभी आएंगे, अभी एक्सरसाइज वगैरह करवाएंगे, तो बस उन्हीं का ही वेट कर रही हूँ। वो एक्सरसाइज वगैरह करवा के वो जाएंगे, उसके बाद और कोई काम करूँगी। और मैंने रात का भी डिनर बना लिया है। सुबह मैं अभी दोपहर में बनाई थी दाल चावल आलू बैंगन और टमाटर, देखिए सब्जी बनाई थी, तो वही मैं रात का भी बना ली हूँ। तो और रात का मैं कोई झमेला नहीं रखी, और अभी ना एकदम हल्का हल्का बारिश हो रहा है, एकदम क्लाउडी वेदर हो रखा है, और हल्का हल्का बारिश हो रहा है। तो हाँ, हल्का हल्का बारिश हो रहा है, और आप लोग के वहाँ पे बारिश हो रहा है कि नहीं कमेंट में बताइएगा ज़रूर से। तो चलिए, अभी तो देखिए अभी तो कोई काम नहीं है, सारे कपड़े भी फोल्ड करना बाकी है, जो कपड़े धोई थी आज तो कपड़े धोऊंगी नहीं, बट कपड़े जो कल परसों धोई थी वो दोनों दिन का अभी कपड़ा फोल्ड करना है मुझे, तो वो भी करूंगी। तो अभी पहले एक्सरसाइज वगैरह कर लेती हूँ, भैया करा के चले जाते हैं, उसके बाद ये सारे काम करूँगी। तो एक बार मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैं खाना क्या बनाई थी, थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है, क्योंकि लंच तो हम लोगों का करना हो गया है, तो मैं एक बार दिखाती हूँ आप लोगों को।
यहाँ पे मैं आलू बैंगन और टमाटर देके सब्जी बनाई थी। ये सब्जी मैं सुधा भाभी से सीखी थी, उन्हीं का ही रेसिपी है, तो मैं आज ट्राई करी अकेला अकेला। तो ये सब्जी बनाई थी जो थोड़ा सा बचा हुआ है, जो रात का हम लोगों का हो जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा दाल दाल भी बच गया है, तो दाल बनाई थी टमाटर और हरा मिर्चा देके, तो ये भी थोड़ा सा बचा हुआ है तो रात को हो जाएगा। बनाई थी चावल, तो यही था आज का लंच। बहुत जल्दी जल्दी मैं बनाई क्योंकि सुकिंदर को ऑफिस जाना था, तो इसीलिए फटाफट लंच बना के दी और वो खा के निकल गया, तो मुझे भी शांति मिलता है कि चलो घर का ही कुछ खा के गया, नहीं तो ऑफिस जाता फिर बाहर का कुछ खाता, तो इससे अच्छा घर का दाल चावल ही खाए, वही बहुत वही बेटर है, बाहर का खाने से तो अच्छा है। तो वही खा के चला गया है और हल्का हल्का बारिश भी हो रहा है और इतना हल्का हल्का ठंडा भी पड़ गया है ऐसा लग रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है क्लाउडी सा वेदर में। तो मुझे ना ऐसा वेदर अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं अच्छा लगता और बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं अच्छा लगता, हल्का हल्का ठंडा हल्का हल्का गर्मी यही ठीक लगता है। तो वैसा का वैसे ही आज वेदर हो रखा है। तो चलिए अभी तो मेरा और कोई काम है नहीं, अभी मैं काम कोई करूँगी भी नहीं क्योंकि भैया आ जाए एक्सरसाइज वगैरह करवा के जाए, उसके बाद मैं चेंज वगैरह करूँगी अच्छे से, उसके बाद कोई काम करूँगी। तो चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से बाद में। फ्रेंड्स, तो जो मुझे फिजियोथेरेपी कराने आते वो भैया अभी तक तो नहीं आए, मैं फ़ोन करी थी तो वो बोले कि 6:30 7 बजे तक आएंगे, तो मैं सोची कि उतना देर वेट करके वेट करने से अच्छा है मैं अपना काम सलटाऊँ। तो मैं किचन वगैरह साफ़ की, उसके बाद मैं नहाई नहा के आ गई यहाँ पे संजा बत्ती करने के लिए। तो मेरा संजा बत्ती हो गया है, मैं आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ। तो ये रहा संजा बत्ती मेरा कंप्लीट हो गया है और मेरे एक आँख में आई लेना है, एक आँख में नहीं है क्योंकि आज थर्सडे है, तो मैं फेस वॉश नहीं करती हूँ, मतलब साबुन वगैरह फेस वॉश जो होता है वो सब नहीं लगाती हूँ, तो इस वजह से मुझे मेकअप रिमूवर से इसको उतारना होगा। अजीब सा लग रहा है ना, एक आँख में आई लेना एक आँख में नहीं है, तो जो भी है। तो चलिए अब मैं चेंज कर लेती हूँ, जो एक्सरसाइज करूँगी वो कपड़े पहन लेती हूँ, जो सुबह पहनी थी वही पहन लूँगी और क्या। तो चलिए फिर भैया आ जाएंगे तो हड़बड़ हड़बड़ मच जाएगा क्योंकि सुखेंद्र तो है नहीं कि जाके नीचे वो गेट खोलेंगे और मैं चेंज कर लूँगी, तो मुझे ही गेट खोलने जाना होगा। तो चलिए फटाफट मैं चेंज करती हूँ, उसके बाद जब भैया आएंगे तब मिलूँगी आपसे। बाय बाय। चलिए फ्रेंड्स, फिजियोथेरेपी वाले भैया आ गए हैं, नीचे से ले आती हूँ उनको। तो फ्रेंड्स, फिजियोथेरेपी वाले जो भैया आए थे वो एक्सरसाइज करवा के निकल गए हैं और मैं कैमरा ने वीडियो नहीं कर पाई क्योंकि वीडियो करती ना एक्सरसाइज करती ये हो गया था, तो इसलिए वीडियो कुछ भी नहीं निकाल पाई। तो चलिए अभी मैं ये सारे कपड़े उतार लेती हूँ क्योंकि सारे कपड़े सूख गए हैं, और सारे कपड़े को फोल्ड करके रख दूंगी अभी मैं। तो चलिए फ्रेंड्स, और आज और क्या वीडियो बनाऊंगी, बस ये कपड़े वगैरह फोल्ड करूंगी, मैं चेंज करूंगी क्योंकि मुझे भी बहुत तेज का नींद आ रहा है और अच्छा नहीं लग रहा है। अभी टाइम हो रहा है 9:30 बज रहा है, फिजियोथेरेपी वाले भैया फिजियोथेरेपी करवाने के बाद मैं चली गई थी ऊपर में भाभी के पास थोड़ी देर के लिए, तो अभी जस्ट नीचे आई, अभी सारा कपड़ा वगैरह उतार के समेट के रखूंगी, फोल्ड वोल्ड करूंगी, उसके बाद सुकिंदु आ जाएंगे तो खाना वाना खा के सो जाऊंगी। और कुछ भी आओ पूछू, उफ नोच रहा है, क्या हुआ? उसके बाद सो जाऊंगी क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, नींद भी भयंकर सा आ रहा है। तो चलिए फिर आज के वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ मैं आप लोगों से कल एक नए वीडियो लेके। तब तक के लिए आप लोगों को क्या करना है आप लोगों को पता ही है, वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक कमेंट शेयर जरूर से कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल में नए हो तो। मिलती हूँ मैं आप लोगों से कल एक नए वीडियो को लेकर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट। और मेरे हाथ में आई लेना अभी तक नहीं उठा है, अभी मैं ये भी उठाऊँगी। तो चलिए टाटा।